छतरपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर के चौबे तिराहे के समीप स्थित शराब दुकान सहित दो दुकानों के बीती रात अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर शराब, नकदी सहित अन्य सामग्री चोरी कर ली। शराब दुकान के कर्मचारी हीरालाल राय ने बताया कि रात करीब 2 से 3 बजे के बीच तीन नकाबपोश बदमाशों ने दुकान के ताले तोड़े और अंदर दाखिल हो गए। उक्त चोर देशी शराब के काउंटर से 9400 रुपए की नकदी, अंग्रेजी शराब के काउंटर से 14.5 से 15 हजार की नकदी सहित कुल 17,000 रुपए की शराब चोरी कर ले गए। इसके अलावा शराब दुकान के बगल में मौजूद फ्रेंडली प्रोविजन स्टोर नामक दुकान के भी ताले तोड़े गए और यहां से चोरों ने सिगरेट जैसी सामग्री चोरी कर ली। बहरहाल इस मामले में एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। पुलिस इस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। इस सीसीटीवी वीडियो में तीन युवकों द्वारा घटना को अंजाम दिए जाने की स्थिति स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। गौरतलब है कि इससे पहले भी इस शराब दुकान को चोरों के द्वारा निशाना बनाया जा चुका है। जी भाई, सब पर्चे आपका? मेरा नाम हीरालाल राय। कौन सी दुकान है? 24 की दुकान नंबर 2, अंग्रेजी कंपोजिट दुकान है। किस तरह की यहाँ पे चोरी हुई है? रात के 2 बजे से 3 बजे के बीच में दुकान के ताले तोड़कर करीब देसी दुकान से नकद 9400 रुपये, क्योंकि अंग्रेजी दुकान से नकद 14.5-15 हजार रुपये करीब और करीब 17,000 रुपये की दाग हुई है। पहले भी ऐसी घटना? पहले इसके पूर्व में भी एक बार चार भी टूट चुके थे दूसरे ठेकेदार के कार्यकाल में, एक दो बार हो चुकी है चोरी। रात के दुकान में इसलिए रात को नहीं सोता कोई, तो क्या है कि यहाँ सोने की व्यवस्था नहीं होने के कारण रात को नहीं सोता। कितने लोग आए थे, किस तरह से थे? तीन लोग कैमरे में, तीन लोग दिख रहे हैं, नपाकपोश हैं तीनों लोग। तीनों लोगों ने रात के ताले तोड़े, तीन अंदर घुसे, एक बैग में रहे, उसमें कुछ दारू, हाई रेंज की दारू वगैरह भरी है और बाकी 2 लाख से नकद रुपये जो लूज चिल्लर रहती थी उसमें रुपए गड्डी वगैरह उसमें निकाल के ले गए हैं। बगल में भी चोरी हुई है? बगल की, इसके बगल में रेस्टोरेंट की चोरी हुई है, वहाँ से कुछ सिगरेट वगैरह और कुछ नकदी वहाँ से भी चुराए, वहाँ से दुकान के भी ताले तोड़े हैं। कैमरे में तीन लोग दिख रहे हैं, नपाकपोश वगैरह सरिया वगैरह डंडा वगैरह लिए हैं और तीनों लोगों ने ताले तोड़े हैं। क्या लग रहा है, यहाँ पे पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी है नज़दीक में और इस तरह की घटना हो रही है लगातार? अब जाके भैया मैं इससे चाह रहा हूँ, थाने में जाके शिकायत करता हूँ कि बेचना हो, कोई उचित कार्रवाई हो और चोर पकड़े जाएँ, हमारी यही आशा है।